नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसाल वास्तु कंसल्टेंट मैं अपनी इस सीरीज़ में आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो प्लॉट चेन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरी सारी सीरीज़ देखना मेरी सभी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपके घर के हर एक पॉइंट के बारे में मैंने वीडियो बनाई है वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप अपना नक्शा वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं और उसके बाद आप इस सीरीज़ को प्रॉपर तरीके से देखें मैंने अपनी इस सीरीज़ में घर से संबंधित मैक्सिमम विषय कवर करने हैं और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी इस सीरीज़ की जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे आज का विषय है वेस्ट फेसिंग प्लॉट आपका अपना वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का कौन सा हिस्सा फ्लोर लेवल में ऊंचा होना चाहिए और कौन सा हिस्सा आपका फ्लोर लेवल में नीचा होना चाहिए इस विषय के बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग है तो आपको अपने प्लॉट के साउथ वेस्ट कॉर्नर को यानी नैत्य कोने को दक्षिण पश्चिम के कोने को ऊंचा करना है ऊंचा किस प्रकार से कर सकते हैं वहाँ पर आपने फ्रंट में यानी वेस्ट के भाग में ओपन एरिया रखा हुआ है तो वहाँ पर ओपन एरिया आपका फ्लोर लेवल में ऊंचा होना चाहिए वहाँ पर मिट्टी डालकर भी उसका लेवल ऊंचा कर सकते हैं वहाँ पर ठोस चबूतरा बनाकर भी उसका लेवल ऊंचा कर सकते हैं और वहाँ पर पहाड़ नुमा स्टोन लगाकर भी आप उस एरिए को ऊंचा कर सकते हैं इसी के साथ में आप उस एरिए को दक्षिण की दीवार से और पश्चिम की दीवार से जितना ओपन एरिया है वहाँ पर दीवार के साथ साथ ऊँचा चबूतरा लगभग डेढ़ फिट चौड़ा और हाइट में जितना ऊँचा कर सकते हैं उतना आप करके उस एरिए को ऊंचा कर सकते हैं क्योंकि साउथ वेस्ट का एरिया जब भी मजबूत होता है ऊंचा होता है तो घर के अंदर लाइफ सेफ हो जाती है जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो घर के मालिक है उनके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहता है अब साउथ वेस्ट का एरिया ओपन एरिया में तो ऊंचा हो गया और ध्यान रखना है जो आपके घर का आपके प्लॉट का जितना भी ओपन एरिया है उसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया आपका सबसे नीचा होना चाहिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके अपनी जो बिल्डिंग बन रही है जितने एरिए में आपकी अपनी बिल्डिंग बन रही है उस एरिए का जो साउथ वेस्ट जोन बनता है नैरित कौन बनता है दक्षिण पश्चिम का कोना बनता है वहाँ पर आपने स्टोर बनाया हुआ है तो स्टोर का लेवल एक इंच डेढ़ इंच दो इंच पूरे फ्लोर के लेवल से ऊंचा होना चाहिए बेडरूम बना हुआ है तो बेडरूम का फ्लोर लेवल भी ऊंचा होना चाहिए भले ही आप उसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर से हल्का सा ऊंचा करके और उसका स्लॉप लॉबी में ले आए यानी रूम के नॉर्थ ईस्ट के गेट में लेके आएंगे तो उससे भी आपका साउथ वेस्ट का एरिया हल्का सा ऊंचा हो जाता है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा आपने यहाँ पर ड्राॅइंग रूम बनाया हुआ है तो ड्राॅइंग रूम का भी फ्लोर लेवल इसी प्रकार से आपने ऊंचा करना है यदि आप वहाँ पर एक इंच डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ऊंचा कर देते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा आपके यहाँ साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट और ड्रेसिंग बन रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वहाँ का फ्लोर लेवल कम से कम डेढ़ से दो इंच ऊंचा जरूर करें जितना ऊंचा करेंगे उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा किस चीज़ में क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट यानी साउथ वेस्ट जोन आपकी मजबूत हो जाती है और साउथ वेस्ट जोन जब मजबूत होती है तो वो हमेशा ही घर के बड़े बुजुर्ग के लाइफ को सेव करती है सुरक्षित करती है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो साउथ वेस्ट कोने को किसी भी कीमत पर लूज नहीं रखना है कमजोर नहीं रखना है नीचा नहीं रखना है इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है आप अपना नया घर बना रहे हैं आपका घर बन रहा है और आपने मेरी वीडियो बीच में देखी है तो भी आप मेरी इस सारी सीरीज को देखें जहां पर जो काम आप कर सकते हैं वो काम तो आपने कर लेने चाहिए मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखें इसी के साथ आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने घर का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहाँ से मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट पर हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं यह सभी सेवाएं हमारी चारिजेबल रहेंगी हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो भी आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह है पुस्तक मंगवाकर इस पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ें समझें और आप नोटिस करें कि आपके घर के अंदर कहाँ पर किस दिशा में क्या वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है जैसे आप अपने उस वास्तु दोष को ठीक करेंगे तो आप अपनी समस्याओं से राहत पा सकते हैं निजात पा सकते हैं आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं या आप वास्तुशास्त्र का कोर्स कर रहे हैं या आप आर्किटेक्ट हैं या आप इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर रहे हैं या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं आप वास्तुशास्त्र के बारे में डीपली जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी देगी जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है मेरे को वास्तु विजिट करते हुए तेईस साल हो गए हैं और मेरा अपना जो अनुभव रहा है वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में साझा करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैं जो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को इस सीरीज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करेंगे आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे आप मेरे चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी जितनी भी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ है वो सारी की सारी वीडियोज आपके पास आ जाएंगी और आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर उन सभी वीडियो में से अपने मतलब की जानकारी ग्रहण करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार